हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोको मोबाइल में गैलरी वाला फ़ोटो को होम स्क्रीन पर कैसे लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आप अपने पोको मोबाइल का गैलरी ओपन कर लीजिए और जिस भी फ़ोटो को आपको होम स्क्रीन पर लगाना है वो फ़ोटो खोज के उस पर क्लिक करिए। जैसे मान लीजिए मुझे इस फ़ोटो को होम स्क्रीन पर लगाना है तो मैं इस पर क्लिक करेंगे फ़ोटो ओपन हो जाएगा। फोटो ओपन होगा तो फिर आप एक और फोटो पर क्लिक करिए। जैसे मैं फिर एक बार फोटो पर क्लिक करता हूँ, फोटो पर क्लिक करेंगे तो नीचे साइड कोने तरफ आपको यहाँ पर एक गोल सा आइकॉन दिखेगा जिसमें थ्री डॉट दिखेगा। तो आपको इस गोल सा आइकॉन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है सेट एज वॉलपेपर का, आप यहाँ सेट एज वॉलपेपर पर क्लिक कर लें और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, फ़ोटो ओपन हो जाएगा। अगर फ़ोटो को आप जूम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या छोटा करना चाहते हैं कर सकते हैं, और ऊपर करना चाहे ऊपर कर सकते हैं, या फिर नीचे, या लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करिए। और उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाता है, एक सेट एज लॉक स्क्रीन, एक सेट एज होम स्क्रीन, एक सेट बोथ। अगर जो आपको सिर्फ इस फोटो को लॉक स्क्रीन पर सेट करना है तो आप यहाँ सेट एज लॉक स्क्रीन पर क्लिक करिए, या सिर्फ होम स्क्रीन पर सेट करना है तो आप यहाँ सेट एज होम स्क्रीन पर क्लिक करिए, या दोनों पर सेट करना है तो सेट बोथ के ऑप्शन पर क्लिक करिए। तो मुझे तो इस फोटो को सिर्फ होम स्क्रीन पर सेट करना है, इसलिए मैं यहाँ सेट एज होम स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे इतना कर देंगे उसके बाद वो फोटो आपको होम स्क्रीन पर सेट होने लगेगा और हो जाएगा। देखते हैं लिखा गया होम स्क्रीन वॉलपेपर अप्लाई, मतलब ये फोटो अब मेरे होम स्क्रीन पर लग गया। अब मैं होम बटन दबा होम स्क्रीन पर आता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं ये फोटो मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर लग गया है। इसी तरीके से आप भी पोको के मोबाइल में गैलरी वाला फोटो को होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं।